zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का मेरे आज के फिर एक ब्रांड न्यू वीडियो का। आज का वीडियो लॉस्ट इन ब्लू के ऊपर होने वाला, जो ये गेम न्यू अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले, तो इसके बारे में मैं ए टू जेड बताने वाला हूँ। तो फिलहाल बहुत से बंदे का कमेंट भी आ रहा था कि लॉस्ट इन ब्लू के ऊपर जो न्यू इवेंट आया, न्यू जो मिशन आए हैं उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो गाइज उसी के बारे में होने वाला है। तो फिलहाल अपना बैकपैक सारे को इनपिटी कर लेते हैं, मतलब अपने चेस्ट में रख देते हैं। एंड यहाँ पे गाइज जो अभी न्यू हम लोग मिशन करने वाले, यहाँ पे अबेंडेड एल्केमी लैब, यहाँ पे एक न्यू वाला जो एडेड हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग आज करने वाले। तो यहाँ पे आप लोगों को चैलेंज पॉइंट आप लोगों को एक ही दिया जाएगा, तो जैसे आप लोग बॉस को डिफीट करते हो तो एक और उस बॉस से आप लोग को चैलेंज पॉइंट मिल जाएगा, तो उससे आप लोग सेकंड लेवल के लिए जा सकते हो, मतलब सेकंड चैलेंज ले सकते हो। इसमें इंटर करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, सिंपल कि जो आपसे आपको बॉस से फाइट करना है तो आपको अपोजिट साइड रहना है, मतलब आपके आपका जो कंपेनियन होना चाहिए बॉस के पीछे साइड होना चाहिए, ताकि अगर बॉस कुछ अपना एबिलिटी अगर यूज़ करे तो आपका जो कैरेक्टर पे हो आपके कंपेनियन पे ना हो, वरना कंपेनियन जल्दी में डेड हो जाती है। और बहुत से बंदे का डिस्कॉर्ड में यही प्रॉब्लम रहती है, यही मेंशन करते हैं कि जो बॉस एबिलिटी यूज़ करता है तो कंपेनियन एक ही दफ़ा में मर जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना है कि बॉस का एबिलिटी अगर यूज़ करे तो आपका कंपेनियन उससे डिस्टेंस बना के रखे या फिर अपोजिट साइड में रहे। एंड यहाँ पे बारी बारी आप लोग ज़्यादा कोशिश करना कि आप लोग बॉस को पीछे से हिट दो, ताकि अगर पीछे से हिट दोगे तो आपका कोई ज़्यादा डैमेज प्रोवाइड होता है। तो ये वाला तो गाइस ईजी था, क्लियर था, हो चुका था, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग लीव से कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोग को एक पॉइंट मिला है जो कि इससे आप लोग मतलब ट्रेजर हंट का जो चेस्ट होता है वो आप लोग अनलॉक कर सकते हो, तो बहुत सारा रिवॉर्ड उसमें देखने को मिल जाती है। फिलहाल यहाँ पे ऊपर में भी क्लैम रिवॉर्ड आ चुका है, तो जैसे जैसे आप लोग बॉस क्लियर करोगे आप लोग को बॉस में हर एक बॉस में आप लोग को वहाँ पे क्लैम रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वो तो गाइज डेली रिवॉर्ड था, वो डेली रिवॉर्ड जैसे ही बॉक्स ओपन होता चला जाएगा ऊपर वाला तो मिलता चला जाएगा। तो उससे सेकेंड चैलेंज के लिए हम लोग यहाँ पे रेडी हैं। तो बॉस को पहला जो डैमेज देना गाइस यहाँ पे क्राउच होकर के पीछे से डैमेज देना, ताकि आप लोग उसको हीट ज़्यादा दे पाओ, ठीक है। अगेन उस सेम स्ट्रेटेजी यूज़ करना है कि आपको जो आपका जो अपना कैरेक्टर को बॉस के सामने रखना है और आपका कैंपेनियन उसके पीछे होना चाहिए। अगर बॉस अपना एबिलिटी यूज़ करता है तो आप लोग के कैंपेनियन को डैमेज नहीं पड़ेगा, वरना आप वो जो बॉस है आपके कैंपेनियन को एक ही दफ़ा में मार देता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और कंपेनियन का अगर हेल्थ वगैरह हो तो वहाँ पे उनके बॉक्स में ऐड कर देना, ताकि उनका हेल्थ आपके कंपेनियन का हेल्थ अगर कम हो तो वो अपना रिट्रीव कर सके, मतलब हेल्थ लगा पाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो बस यही यूज़ करना गाइस, अभी कंपेनियन मेरा ऑलमोस्ट डाई होने वाला है, देख लेते गाइस क्या सीन बनता है। आप लोग कंटिन्यू उसको हीट करते रहना, आप लोग बॉस के अनुसार अपना स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो इस वीडियो में मैं बता दूंगा कि आप लोग कैसे कैसे करना है। और एक्सप्लोर टिकट वो होता है जो आप लोग चैलेंज को लेते हो, ठीक है। आप लोग को पर डे एक एक्सप्लोर पॉइंट मिलता है, तो उसी से आप लोग चैलेंज ले सकते हो। और जैसे जैसे बॉस को आप लोग डिफीट करोगे तो एक आप लोग को चैलेंज पॉइंट मिल जाती है। तो सिंपल यहाँ पे मार देते गाइस, तो ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पे डेड है, मेरा कैंपेनियन तो खत्म गाइस। तो कैंपेनियन को ही फिर से मेरे को लाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड लेवल बहुत हार्ड होने वाला है, तो इसके लिए मेरे को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से मेरे को ट्रेजर हंट का एक टिकट मिल चुका है गाइस, तो लीव सीन कर लेते हैं। एंड फटाक से यहाँ पे कैंपेनियन को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा जरूरी है। तो ये दो मेरा हो चुका गाइस, और थर्ड के लिए हमको कैंपेनियन का बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट कैंपेनियन तो होने से रहा। और बाहर आने के बाद गाइस आप लोग का जितना हेल्थ कम रहे तो आप लोग बैंडेज यूज़ करना, आप लोग ये वाला बॉटल यूज़ मत करना, क्योंकि वो बॉटल इंस्टेंट में आप लोग का मतलब जो हेल्थ बढ़ाता है तो वो आप लोग का मिशन के अंदर काम आ जाएगा, ठीक है। तो उसको वेस्ट मत करना। यहाँ पे क्या कैंपेनियन में मैंने 50 डायमंड लगा करके, क्रिस्टल लगा करके यहाँ पे ले आया मैंने फिर से वापस। उसके बाद सेकंड मिशन के लिए चलते, सेकंड चैलेंज के लिए देखते हैं किस टाइप से हार्ड होने वाला है। तो फटाक से यहाँ पे रीजन में टैप करके यहाँ पे फिर से चलते हैं अबैंडन्ड एल्केमी लैब में, भाई ऐसा नाम है जो कि मतलब प्रोनाउंस सही से नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। उसके बाद गाइस फिर से क्रॉच होकर के आप लोगों को फिर से वन हिट आप लोगों को तगड़ा वाला देना है आप पीछे से जा करके, ठीक है। और अभी तो कुछ ज़्यादा हिट नहीं लगा, तो ये वाला बॉस पे आप लोग को स्ट्रेटेजी यूज़ करना गाइस कि आपको अभी डैमेज नहीं मिलेगा। इस बॉस को आप लोग एक जैसे वो एक रास्ता बनाएगा और मतलब दौड़ने जैसा, और वो जा करके दीवार में टकरा जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम में आप लोग डैमेज देना, तो उस टाइम अगर डैमेज दोगे जैसे अभी, ठीक है, ये गया और अभी इसको आप लोग डैमेज दोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग को डैमेज प्रोवाइड होता है। तो देखो कितना ज़्यादा हेल्थ एक बार में गया,
ठीक है। तो ये जब आप लोग को अटैकिंग मोड में रहे तो उस समय आप लोग को डैमेज नहीं देना है, ये बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अभी अगर डैमेज देते हो तो 5, 10, 15 ऐसे डैमेज जाएगा, बट ये जैसे ही वो अपना एबिलिटी यूज करता है, मतलब दौड़ने वाला और जाकर के दीवार में लड़ता है, तो उस टाइम पे आप लोग अपना एबिलिटी यूज करो, जैसे लाइक अभी, ठीक है। तो अभी ये इंस्टेंट में मर जाएगा आई थिंक, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से इसको डैमेज देना स्टार्ट कर देना और ये गाइस बूम होने वाला है। बस गाइस थोड़ा सा इसका हेल्थ बचा हुआ था, लाइक 500 बचा हुआ है, तो इसको आप लोग अब इजीली आप लोग मार भी सकते हो, आप सेकेंड राउंड के लिए वेट भी कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट मर गया, तो फिर से मेरे को ट्रेजर हंट का एक टिकट मिल चुका है जिसे मैं ड्रॉ करके ले सकता हूँ, अभी तो वो नहीं खुला, ओपन नहीं हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे फिर से देख लेते हैं एक दफा, तो मेरा एक चेस्ट वहाँ पे खुल चुका है, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि जैसे चैलेंज आप लोग कंप्लीट करते हो तो हो जाएगा, वो अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पे गाइज फिर से अपना फर्स्ट एड वगैरह लगा लेना, जो भी हेल्थ वगैरह कम रहे तो, और आर्मर गाइज हाई लेवल ही यूज़ करना, क्योंकि ये सब जो बॉसेज है बहुत ज़्यादा लेवल के हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा आपका जो मैक्स पावर होता है वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो वहाँ पे देख लो गाइज ऊपर में एक आइकन बन रहा है चेस्ट का, तो ये आपको मेल बॉक्स में वो रिवर्ट चल जा चुका है, तो आप लोग देख सकते हो मेल बॉक्स में जाके कोई इशू नहीं। फिर से हम लोग यहाँ फोर्थ चैलेंज की तरफ बढ़ते गाइज, फोर्थ चैलेंज में देख लेते कौन सा बॉस आने वाला है। तो इसमें भी फर्स्ट और सेकंड वाला ही बॉस है, तो इसको भी मारना इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मुझे लग रहा है इसमें ही मेरा कैंपेनियन मरने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा डैमेज ज़्यादा दे रहा है एंड इसका थोड़ा सा हेल्थ भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको मारने में थोड़ा टाइम भी लगने वाला है। तो एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपका हेल्थ अगर कम रहे और जैसे वहाँ पे अगर हेल्थ में टाइमर लगा हो कि आप लोग टाइमर खत्म होगा तभी यूज कर पाओगे, तो इससे थोड़ा डिस्टेंस बना करके ही चलना, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक बूट जो है सो मेरा टूट चुका था वो दौड़ने वाला, तो थोड़ा सा आप लोग का जो अटैक पावर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करा था कि कैंपेनियन के सामने ला करके उस बॉस को सामने खड़ा कर दिया था, तो इंस्टेंट में उसको मार दिया, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया मेरे साथ। चलो फिर इसको अकेले ही मारना पड़ेगा, तो मार देते गाइस कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे डैमेज देना स्टार्ट करते बूम बम एंड यहाँ पे मारते हैं। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो गाइज यहाँ पे ये फटाफट मर चुका है गाइज एंड यहाँ पे जो भी रिवॉर्ड मेरे को देखने को मिल रहा है वो मिल चुका है। एंड यहाँ पे फिर से हम लोग लीव सीन करते हैं और दूसरे बॉस के लिए चैलेंज लेते हैं, क्योंकि हम लोग को जो मतलब एक्सप्लोरेशन पॉइंट होता है वो बार बार एक मिलता रहेगा जितने बॉस को हम लोग क्लियर करेंगे। और अगर आप लोग फेल करते हो बॉस को मारने में तो फिर आप नेक्स्ट डे ही आप लोग कर सकते हो, 1 वीक में शायद ये रीसेट होता है, तो 1 वीक में आप लोग 10 बॉस को वहाँ पे क्लियर करना रहता है, तो आप लोग क्लियर कर लेना। यहाँ पे बूट मेरा टूट चुका था, तो यहाँ पे जो सेट था वो बूट मैं बना लेता हूँ, जो सेट मैं पहना हुआ हूँ तो उसमें उसका मैंने बूट यहाँ पे बना लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा पावर मेरा बढ़ चुका है। एंड यहाँ पे फिर से यहाँ पे ये वाले बॉस में हम लोग फोर्थ बॉस में आप लोग जाते हैं, फोर्थ बॉस में देख लेते किस टाइप का होने वाला है, किस टाइप का मतलब ये फोर्थ है या फिफ्थ है, शायद फिफ्थ होना चाहिए, यस राइट फिफ्थ है, मैं गलत बोल रहा था, ठीक है। तो फिफ्थ बॉस के लिए जाते गाइस, ये थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गन्स वगैरह चलाता है बार बार, तो देख लेते गाइस किस टाइप से। फिर से यहाँ पे हेल्थ में लगाना भूल गया था, तो मेक श्योर कि आप लोग फुल हेल्थ में ही जाना, क्योंकि अगर वो अटैक स्टार्ट कर देता है तो आप लोग को हेल्थ लगाने का मौका नहीं मिलेगा, फिर आप लोग को बॉटल यूज़ करना पड़ेगा और बॉटल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला हिट यहाँ पे हम लोग को पीछे से देना है एंड वही स्ट्रेटेजी यूज़ करना है, एंड यहाँ पे जो आपका कैंपेनियन होगा उसके सामने उसका एबिलिटी मत यूज़ करने देना, सारा हिट अपने पे लो और कैंपेनियन को पीछे से मारने दो, ठीक है, वरना कैंपेनियन का हेल्थ तो वैसे ही कम रहता है और वो तुरंत ही मर जाएगा। अगर आप ग्रेटेड कैंपेनियन है तो कोई बात नहीं, आप लोग यूज़ कर सकते हो, या फिर एक से ज़्यादा कैंपेनियन है तो बारी बारी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास एक ही कैंपेनियन था, तो यहाँ पर उसके रेंज में आपको भी नहीं आना है क्योंकि वो डैमेज बहुत ही ज़्यादा देगा। तो यहाँ पर कैसे भी करके बारी बारी करके आप लोग यहाँ पर क्लियर कर देना गाइस, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं हो।
फाइनली गाइस यहां पे जो बॉस था मेरा क्लियर हो चुका था एंड मेरा कंपेनियन भी ज्यादा शॉट मैंने पढ़ने नहीं दिया। शुरू से ही मैंने जितना डैमेज था मैंने अपने पे लिया, बट बॉस थोड़ा सा ये हार्ड है, आप लोग देख लेना। अगर कंपेनियन वगैरह अगर आपका लेवल अच्छा हो, एबिलिटी वगैरह अगर अच्छा हो तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो, आप कोई डिफीट कर सकते हो, वरना तो ये मुश्किल होने वाला है। अब गाइस मैं यहाँ पे एक चीज बता देने वाला हूँ कि ये सब जो टिकट मिला इसको यूज कहाँ करने गए, तो फटाफट से जितना भी रिवॉर्ड आप लोग को मिला ये सब आप लोग क्लेम कर लेना। ये थोड़ा सा अपग्रेड करने में काम आता है आप लोग का वेपन ओपन एंड आर्मर वगैरह। और ये जो टिकट मिला गाइस ये ट्रेजर हंटर में इसी लाइन में ट्रेजर हंटर वीक में आता है, तो आप लोग एक दफा यहाँ पे चेकआउट कर लेना। जितना भी आप लोग के पास वो टिकट मिला है तो उसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो और वो मेटेरियल आप लोग को मिलता चला जाएगा, जो वेपन का मेटेरियल होते हैं एक्सक्लूसिव मेटेरियल, ठीक है, एपिक मेटेरियल या फिर जो भी आप लोग को मिलेगा, तो वो सब आप लोग तब देख लेना। फिलहाल वो अभी नजर नहीं आ रहा है गाइस। तो आई होप कि आप लोग भी पसंद आई हो गाइस, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर इसी तरह के वीडियो अगर लॉस्ट इन ब्लू के ऊपर कोई भी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग मुझे मेंशन करो कि मैं उस पर मैं वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सी यू अगेन गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।